नमस्कार, अम्मा की थाली में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गुड़ और सेव के लड्डू। गुड़ और सेव के लड्डू सर्दियों के मौसम में लोग ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादातर लोग सर्दियों के मौसम में ये लड्डू बनाते हैं। गुड़ सभी को खाना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। आज हम जिस तरीके से गुड़ और सेव के लड्डू बनाने वाले हैं, ये 6 महीने तक खराब नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं गुड़ और सेव के लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम बेसन, 400 ग्राम गुड़, 1 कप पानी बेसन का डो बनाने के लिए। सबसे पहले हम बेसन का डो बनाएंगे। पहले हम बेसन में थोड़ा सा पानी डालकर मिला लेते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाएंगे क्योंकि हमें बेसन को बहुत गीला नहीं करना है। हमने बेसन का डो बना लिया है, अब इसका सेव बनाएंगे। सेव बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। गैस को ऑन करेंगे। तेल को हम मीडियम में गर्म करेंगे। तेल हमारे मीडियम में गर्म हो चुके हैं। यहाँ हमने मोटे साइज का सेव बनाने वाला झारा लिया है, इसी से हम सेव बनाएंगे। इसे हम कढ़ाई पे इस तरीके से रख देते हैं। झारे के ऊपर हमने तेल लगा दिया है। सेव बनाने के लिए अब हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और बेसन का डो लेकर सेव बनाएंगे। इस तरीके से बेसन का डो झारे पर रगड़ेंगे और नीचे से हमारे सेव बनते जाएंगे। अब इसे हम धीरे धीरे कलछी से चलाएंगे और इसे हम मीडियम आंच पर तलेंगे जिससे सेव अंदर से कुरकुरे और खस्ते हो जाएं। इस सेव को हमने अच्छी तरीके से तल लिया है, अब इसको निकाल लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह के सेव बनाने वाला झारा नहीं है तो आप इस कलछी से भी बना सकते हैं। अब हम आपको इस कलछी से सेव बनाकर दिखाते हैं। पहले हाथ में थोड़ा सा बेसन का डो ले लेते हैं। इस तरीके से बेसन के डो को कलछी पर रगड़ेंगे। अब इसे भी कलछी से चलाते रहेंगे और इसे हल्के सुनहरे कलर तक तलेंगे। इसको भी हमने तल लिया है, अब निकाल लेते हैं। ये मोटा वाला सेव हमने झारे से बनाया है और ये पतला वाला सेव कलछी से बनाया है। इसी तरीके से हमने सारे सेव बना लिए हैं। अब हम गुड़ के चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई ले लिया है। गैस हमारा पहले से ऑन है। अब कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम हल्का गर्म करेंगे। तेल हमारे हल्का गर्म हो चुके हैं। अब हम डालेंगे गुड़। अब गुड़ को अच्छे तरीके से गलाकर चाशनी बनाएंगे। गैस को हम धीम रखेंगे जिससे गुड़ जले ना। अब गुड़ हमारे धीरे धीरे गलने लगे हैं। हम बहुत ज्यादा टाइट चाशनी नहीं बनाएंगे, थोड़ा नरम चाशनी बनाएंगे। गुड़ को हम इसी तरह चलाकर 1 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद इसका चाशनी पानी में डालकर चेक करेंगे। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, चलाना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर 1 प्लेट में पानी लिया है, अब इसी पानी में चाशनी डालकर चेक करेंगे। सेव के लड्डू बनाने के लिए हमने थोड़ा नरम चाशनी बनाया है। पानी में चाशनी डालकर हम इसलिए चेक कर रहे हैं जिससे चाशनी हमारी टाइट ना हो और कुरकुरी न बने। ये आप देख सकते हैं, हमने बहुत टाइट चाशनी नहीं बनाया है। ये चाशनी पूरी तरह से टूट नहीं रही है। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब सेव को मिला लेते हैं। अब चाशनी में हम सेव डालकर मिलाएंगे। हम सेव को गुड़ में अच्छी तरीके से मिलाएंगे जिससे सेव और गुड़ अच्छी तरीके से मिल जाए। इस सेव और गुड़ हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है, अब इसका लड्डू बनाएंगे। अब हाथ में हम थोड़ा तेल लगाएंगे।
और इस तरीके से हम लड्डू को बनाएंगे। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेते हैं। अगर आप दोनों हाथ से दो लड्डू नहीं बना सकते हैं तो दोनों हाथ से इस तरीके से एक लड्डू बना सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से दोनों हाथ से दाब कर लड्डू बना सकते हैं। एक एक करके हमने सारे गुड़ सेव के लड्डू बना लिए हैं। इसे बनाने में हमें लगभग 25 मिनट लगे हैं। ये आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से गुड़ और सेव का लड्डू बनाया है। ये लड्डू लगभग 6 महीने तक खराब नहीं होगा। आप भी इस तरीके से बनाकर किसी डिब्बे में रखकर 5 से 6 महीने तक खा सकते हैं। गुड़ और सेव का लड्डू बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। सर्दियों का मौसम आते ही सभी घर में गुड़ की रेसिपी बनने शुरू हो जाते हैं। गुड़ की रेसिपी में लोग तिल के लड्डू बनाते हैं, मुरमुरा के लड्डू बनाते हैं, मूंगफली के लड्डू बनाते हैं। इसी तरह के कई प्रकार के गुड़ की रेसिपी बनाते हैं। अगर आपने इस तरीके से गुड़ सेव का लड्डू नहीं बनाया तो एक बार जरूर बनाएं। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।